नमस्कार दोस्तों, डीके 3DM डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यह वो प्लान है जो आज हमने आपके लिए लाया है, जिसका प्लॉट का साइज़ आप समझ लीजिए। उसके बाद में हम उसका 3D फ्रंट एलिवेशन भी आपको डिटेल में बताने वाले हो, तो उसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले प्लॉट का साइज़ आप समझ लीजिए। देखिए, प्लॉट का साइज़ जो है 24 फीट 7 इंच जो है हमारा विड्थ है, मतलब फ्रंट जो है 24 फीट 7 इंच है, तो हम इसे 25 फीट समझ लेते हैं। और 32 फीट 9 इंच हमारा लेंथ है, मतलब हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 32 फीट 9 इंच है, तो हम इसे 33 फीट समझ लेते हैं। मतलब 25 फीट बाय 33 फीट में ये पूरा प्लान बिठाने की हमने कोशिश की है, जिसमें देखेंगे तो देखिए ये जो रोड है ये नॉर्थ फेस में है, और ये जो इस साइड में दूसरों की प्लॉट है, इस साइड में दूसरों की प्लॉट है, उस साइड में भी दूसरों का प्लॉट है। तो देखिए, हमने इस साइड में देखेंगे तो 2 फीट का ऑफसेट छोड़ा है, और पीछे की साइड में देखेंगे तो 3 फीट का ऑफसेट छोड़ा है यहाँ पे, तो इससे काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन मिलने वाला है लगभग हर रूम को। तो देखिए, प्लान समझ लीजिए, रोड से हम एंट्री करेंगे तो हमें पार्किंग का एरिया मिल रहा है, तो लगभग 8 फीट 1 इंच है लगभग यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में लगभग ये 3 फीट का ये ऑप्शन ऑफसेट भी इसके हमें पार्किंग के लिए मिल रहा है, लगभग मतलब 11 फीट 1 इंच लगभग यहाँ से यहाँ तक हमें पार्किंग के लिए एरिया मिल रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ से लगभग आप देखेंगे तो देखिए 8 फीट 1 इंच है लगभग यहाँ से यहाँ तक ही है। उसके बाद में ये 6 फीट का पैसेज भी हमें पार्किंग के लिए मिलता है, मतलब लगभग 14 फीट 1 इंच का हमें पार्किंग का एरिया मिला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो हम हमारी कार जो है इसमें पार्क हो सकती है, और ये स्टेयरकेस जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से स्टार्ट के होने के बाद ये ऊपर उठ जाएगी, तो जब ऊपर उठ जाएगी तो इसके नीचे हम कार आराम से पार्क कर सकते हैं, मतलब यहाँ तक हम कार पार्क सकते हैं। और ये इसका जो सपोर्ट के लिए जो हम कॉलम यूज़ करेंगे, तो ये कॉलम जो है हम यहाँ पे ना देके हम इस बाउंड्री वॉल में देंगे, तो इससे क्या होगा कि हम जो पार्किंग करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस कॉलम की कोई भी अड़चन हमें इस पार्किंग के वक्त नहीं आएगी, तो यह कॉलम जो है हमें इस बाउंड्री वॉल पे लेना है। उसके बाद में देखेंगे तो 2 फीट 6 इंच का यहाँ पे छोटा सा पैसेज छोड़ा है, यहाँ पे हम छोटा सा लॉन वगैरह लगा सकते हैं या गार्डन वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में एंट्री करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिविंग रूम में इस वरांडे पर एंट्री करेंगे तो इस लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं। इससे पहले देखेंगे तो देखिए स्टेयर केस हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है यहाँ से, और यू टर्न करके हम फिर से यहाँ पे टर्न करेंगे और फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे, मतलब इस लैब पर पहुँच जाएंगे, और इसके नीचे जो है हमारी पार्किंग होगी। तो ये स्टेयर केस जो है, अगर रेंट के हिसाब से ऊपर का फ्लोर आपको देना है या दूसरे भाई को यूज़ करना है या फैमिली के और मेम्बर को यूज़ करना है, तो ये स्टेयर केस जो है काफ़ी यूज़फुल रहती है, मतलब नीचे वाले फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ से एंट्री करेंगे लिविंग रूम में। देखिए, लिविंग रूम का साइज़ है 10 फीट बाय 14 फीट 5 इंच का है, मतलब 10 फीट बाय 14.5 फीट का इस लिविंग रूम का साइज़ है, और यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो हमने दिया है, और अगर आप चाहे तो यहाँ पे भी एक छोटा सा विंडो आप दे सकते हैं। ऐसे क्या होगा कि इस बेडरूम को, इस लिविंग रूम को काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन मिलेगा। उसके बाद में हम किचन में एंट्री करेंगे यहाँ से। देखिए, किचन भी नज़दीक है और जो टॉयलेट बाथरूम है यह भी नज़दीक है इस लिविंग रूम से, तो पहले किचन में एंट्री करते हैं। देखिए, 10 फीट बाय 11 फीट का इस किचन का साइज़ है, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है प्लॉट के हिसाब से, और इसको पीछे की साइड में एक विंडो दिया गया है। देखिए, यहाँ पे एक विंडो दिया गया है और यहाँ पे एक डोर दिया गया है। ये जो डोर है इस यूटिलिटी के लिए यूज़ करने के लिए, मतलब ये जो वॉश एरिया है इस उसको यूज़ करने के लिए दिया गया है। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए हम यहाँ पे पहुँच रहे टॉयलेट बाथरूम के एरिया में। देखिए, यहाँ पे हमारा बाथरूम दिया गया है लगभग 6 फीट 10 इंच बाय 3 फीट 6 इंच का है, मतलब 6 फीट 10 इंच बाय 3 फीट 6 इंच का इस, मतलब 7 फीट बाय 3.5 फीट का इस बाथरूम का साइज़ है, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और टॉयलेट जो है 4 फीट बाय 3 फीट का है, मतलब रेगुलर साइज़ है, और 2 वेंटिलेटर दिए गए हैं यहाँ पे, यहाँ पे तो वेंटिलेशन इससे काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। लास्ट में देखेंगे तो देखिए हमारा एक बेडरूम है 10 फीट 9 इंच बाय 10 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब 10 फीट 9 इंच बाय 10 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है, और एक विंडो यहाँ पे दिया गया है क्योंकि इस साइड में हमने 2 फीट का ऑफसेट छोड़ा है, तो यहाँ से हमें वेंटिलेशन मिलने वाला है। यह जो 2 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है, तो यहाँ पर हम स्लैब नहीं डालेंगे क्योंकि इस साइड में हमारी जगह नहीं है। अगर इस साइड में आपकी जगह है तो आप यहाँ पर भी स्लैब डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर स्लैब डालने की गलती करते थे, अगर इससे क्या होता है कि ये बाजू वाला जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ से होगा तो हमारा पूरा वेंटिलेशन दब सकता है, तो यहाँ पे स्लैब डालने की हम गलती नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी पीछे की साइड में जो है यहाँ पे भी हम स्लैब डालने की गलती नहीं करेंगे। तो ठीक है, 25 फीट बाय 33 फीट का यह पूरा प्लॉट का एरिया था, जिसमें देखेंगे तो ये एक लिविंग रूम, एक किचन और बेडरूम और टॉयलेट बाथरूम और स्टेयर केस और पार्किंग का एरिया एडजस्ट किया है। तो फर्स्ट फ्लोर पर भी हमने एलिवेशन के लिए यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है,
तो ये बेडरूम जो है एलिवेशन में आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। अगर आप चाहें तो फर्स्ट फ्लोर जो है रेंट के हिसाब से दे सकते हैं, मतलब सेम प्लान आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट फ्लोर को रेंट के हिसाब से देना है या दूसरे मेंबर को यूज़ करना है, दूसरी फैमिली को यूज़ करना है, तो सेम प्लान आप रिपीट कर सकते हैं। तो चलते हैं इसका 3D फ्रंट एलिवेशन किस टाइप में बना था वह भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इस टाइप में इसका 3D फ्रंट एलिवेशन हमने बनाने की कोशिश की थी। इसमें आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। यहाँ पे हमारा लिविंग रूम है, लिविंग रूम का डोर है, यहाँ पे विंडो है लिविंग रूम का। अगर आप चाहे तो हमने कहा था कि यहाँ पे भी आप छोटा सा विंडो दे सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है। और स्टेयर के जो है यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी, यहाँ से हम स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे, यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और यू टर्न करके फिर यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस लैंडिंग पर, इस लैंडिंग पर फिर से टर्न करके हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे, मतलब इस डोर से हम इस गैलरी पर निकल जाएंगे, इस पोर्च पर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेयर केस है इसके नीचे हम पार्किंग कर सकते हैं, मतलब लगभग ये जो वॉल है इस वॉल तक हम पार्किंग कर सकते हैं हमारी कार। 14 फीट का पार्किंग का एरिया मिल रहा है हमें, तो काफ़ी बढ़िया एरिया है। और यहाँ पे वॉल टाइल्स हमने बताई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी वॉल टाइल्स हमने बताई है। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए जो ऊपर जो रूम लिया है, यहाँ पे एक रूम लिया है, तो इस रूम को देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया एक डिज़ाइन हमने देने की कोशिश की है। ये जो है पूरा स्लैब आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, लगभग 9 इंच का स्लैब आप बाहर निकालेंगे, नीचे भी 9 इंच का यहाँ पे स्लैब बाहर निकालेंगे, और बाजू में ये कंस्ट्रक्शन करके ये पूरा बॉक्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स से देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया इस पूरे घर को रौनक आ रही है। और यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, देखिए बेडरूम का एक विंडो दिया गया है, तो इस पर भी देखिए एक छज्जा हमने दिया है, इसको हमने एक बॉक्स बना दिया है, मतलब इस छज्जे पे कंस्ट्रक्शन करके इस बॉक्स में बना दिया है। यहाँ पे एक लाइट लगाया है, तो देखिए काफ़ी बढ़िया इसको लुक नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ग्रूज दिया है, और ये जो है वुडन टेक्सचर भी दे सकते हैं या वुडन कलर भी आप दे सकते हैं, या तो वॉल टाइल्स भी आप लगा सकते हैं। और स्टेयरकेस का जो पोर्शन है इस पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने ग्लास लगाया है, और यहाँ पे एक छोटा सा हमने डिज़ाइन देने की कोशिश की है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे एक आपके हिसाब से कुछ और भी डिज़ाइन दे सकते हैं। और जो कॉलम जो है हमने ये सपोर्ट के लिए जो कॉलम दिया था, आपको कहा था कि ये जो कॉलम है बाउंड्री वॉल में लेंगे ताकि इस पार्किंग को हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने ये बाउंड्री वॉल में या पार्किंग के लिए ना दिक्कत ना हो, इसलिए हमने यह कॉलम जो है ये बाउंड्री वॉल में दिया है, ठीक है। ये जो है हमारी बाउंड्री वॉल है, तो यहाँ से हमें पार्किंग के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये जो कॉलम है, यहाँ पे हमारा कॉलम रहेगा, उसके बाद में हमने यह पूरा ब्रिक का कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। वॉल कंपाउंड पे है, तो वॉल कंपाउंड पे काफ़ी बढ़िया और सिंपल सा डिज़ाइन हमने दिया है। तो इसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे, वो कलर ऑप्शन भी आप देख लीजिए। ये देखिए ये एक कलर ऑप्शन है, काफ़ी बढ़िया कलर ऑप्शन है, सिंपल सा है लेकिन काफ़ी बढ़िया कलर ऑप्शन है। आप चाहे तो कौन सा भी कलर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ये भी कलर ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है, और ये भी एक कलर ऑप्शन है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद में देखेंगे तो नॉमिनल चेंजेस करके ये भी एक कलर ऑप्शन है, ये भी काफ़ी बढ़िया कलर ऑप्शन है। इसमें देखेंगे तो वॉल टाइल का कलर आपको चेंज नज़र आ जाएगा। और स्टेयरकेस का जो पोर्शन है यहाँ पे भी, ये जो पोर्शन है इस पर भी आपको कलर चेंज नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक कलर ऑप्शन है, इसमें भी आपको देखिए काफ़ी बढ़िया कलर ऑप्शन है, ये भी सिंपल सा कलर ऑप्शन है। तो इस टाइप में ये सिंपल सा प्लान हमने बनाया था, छोटा सा प्लान था 25 फीट बाय 33 फीट में, यह पूरा प्लान हमने बनाने की कोशिश की है। उसका कुछ डिज़ाइन भी हमने बनाया था, वो भी आपको समझाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह डिटेल में समझ में आई है और पसंद भी आई है। तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइंस हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं, और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइंस हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं वह उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा, और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।